हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स हमने एक वर्ड बहुत सुना होगा इम्यूनिटी ना हम कहते हैं कि फिजिकली नो मेरी इम्यूनिटी बहुत कम है डॉक्टर कहते हैं आपको ये इन्फेक्शन इसलिए हो गया क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम है किसी को कैंसर होता है तो हमें बताया जाता है कि आप भीड़ में मत जाइए या किसी किसको खांसी है उसके पास मत जाइए क्यों क्योंकि इम्यूनिटी वीक है तो फ्रेंड्स अब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है फिजिकली तो हम इन्फेक्शंस जल्दी कैच करते हैं पर आज हम बात करेंगे मेंटल इम्यूनिटी की बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत मेरे फ्रेंड्स मेरे पास आते हैं और वो बहुत परेशान होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उसने ऐसा कह दिया या वो ऐसा नहीं कर रहा या कोई भी इनसिक्योरिटी है कोई फियर है उनको बहुत तंग कर रहा होता है और वो ये समझ रहे होते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता और सब प्रॉब्लम बाहर है फ्रेंड्स मैं बहुत बार ये सोचती हूँ कि सिमिलर सिचुएशन में एक आदमी इतना परेशान हो रहा है और दूसरा आदमी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो ये क्या डिफरेंस है ये डिफरेंस है मेंटल इम्यूनिटी का जैसे आपने देखा कि आपका एक फैमिली है वो इकट्ठे बैठते हैं एक ही जगह या एक स्कूल है उसमें सारे बच्चे इकट्ठे खेल रहे हैं वहीं क्लासरूम में लेकिन एक बच्चे को डेंगू हो गया दूसरों को नहीं हुआ एक को इन्फेक्शन हो जाता है दूसरे को नहीं होता सबने एक ही तरह का खाना खाया बाहर गए डिनर किया लेकिन एक को प्रॉब्लम हुई बाकी को किसी को नहीं हुई ऐसा क्यों क्योंकि उस एक का इम्यूनिटी सिस्टम वीक है इसीलिए सिमिलर सिचुएशन में एक आदमी बहुत परेशान हो रहा है और उसको डिप्रेशन भी हो जाता है वो सुसाइडल थॉट्स में भी चला जाता है मुझे कोई पूछता नहीं है मुझे कोई प्यार नहीं करता है और दूसरा आदमी उसको बहुत अच्छे से मैनेज करता है और बहुत डिफरेंटली समझता है उस सिचुएशन को तो फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल मैं दूंगी कि जैसे एक किसी वीक आदमी को एज ग्रुप कुड बी एनी मैं उसको बोलती हूँ कि जाइए आप सामने वाली मार्केट में जाके कुछ ये लेके आइए और वो जाता है और बहुत टायर्ड हो जाता है कि मुझे पैदल चलना पड़ा और अब मैं एक बहुत स्ट्रांग आदमी को बोलती हूँ कि अब उस पहाड़ी पे चढ़िए और पीछे ये बैग पैक भी लेके जाना है और आपको वहाँ जाके आना है ना और वो बहुत खुशी गाने गाता हुआ वो ऊपर जाएगा और वो काम करके वापस आ जाएगा अब क्या फर्क है कि वो वीक है और वो स्ट्रांग है सेम डिफरेंस है मेंटल इम्यूनिटी में अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं तो हम चीज़ को बहुत डिफरेंट वे से लेते हैं हम इतने वीक उस हिस्से नहीं लेते कि हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते उसने ऐसा कह दिया तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और हर चीज़ हमारे दिमाग पे इतनी हावी हो जाती है कि हम डिप्रेशन फील करते हैं या हमें ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है या हमें सुसाइडल थाट्स आती हैं यू नो लेकिन अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं और हर चीज़ को हम राइट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं जैसे फ्रेंड्स सपोज यहाँ बहुत डार्क है तो मुझे अपने घर में कुछ दिखेगा नहीं और मैं बहुत ऐसा फील करूँगी कि चोट ना लग जाए कुछ ना हो जाए बट व्हेन इट इज़ क्लियर लाइट इज़ देयर आई कैन सी एवरीथिंग आई कैन कन्वीनियंटली गो इवन इफ देयर थाउजेंड थिंग्स लाइंग हियर एंड देयर राइट सो सेम इज़ व्हेन आवर माइंड इज़ क्लियर वी अंडरस्टैंड then we will not fall will not be affected we can very conveniently walk through same as life so friends let's be clear let's not get even sensitive about things fearful insecure so how to do that by following spirituality by reading good books by meeting good people trying to learn from others from books from spiritual gurus that's the only way to train our mind that will create mental immunity thank you